इसके पहले हम जो उसके पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि मांग का अर्थ क्या है और मांग के नियम क्या है और मांग को जो असर करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से, ठीक है। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या है। तो अपवाद मीन्स क्या, कि जैसा हमारा मांग का नियम क्या था, कि मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि मांग का नियम था जब प्राइस इंक्रीज होगी तब डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब कि जब जब प्राइस बढ़ती है तब तक मांग क्या होती है, कम हो जाती है, और जब जब प्राइस अगर कम होगी तो मांग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। मतलब कि प्राइस और मांग के बीच हमें हमेशा ऐसा पॉजिटिव संबंध देखने को मिला है। लेकिन ये जो मांग के नियम के अपवाद है, ये हमारा मांग का नियम था, ये मांग के नियम के अपवाद में हम ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर प्राइस बढ़े तो मांग क्या हो, घटी जाए, या जरूरी नहीं कि प्राइस अगर घटे तो मांग बढ़ी जाए। तो उसे हम कहते हैं अपवाद, कि मांग के नियम के हमेशा अपोजिट रहना, वो कहलाता है मांग का अपवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल चार अपवाद है, प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं, सेकंड अत्यंत सस्ती वस्तुएं, थर्ड हल्के प्रकार की वस्तुएं और फोर्थ ग्राहकों की पसंद की। ये चार तत्व ऐसे हैं जहां पर मांग के अपवाद हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, वो उच्च वर्गीय लोग क्या करते हैं कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भले ही किसी भी वस्तु की प्राइस में कितनी भी वृद्धि हो जाए वो उसकी मांग में कमी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की प्राइस में कितनी भी वृद्धि हो लेकिन मांग में क्या होगा, कमी नहीं होगी। कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है सोना चांदी कार और मोबाइल। जो समाज के धनिक वर्ग होते हैं, प्रतिष्ठित वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जब सोने की प्राइस ज्यादा बढ़ती है तब वो लोग क्या करते हैं, जब गोल्ड की प्राइस ज्यादा बढ़ेगी तब वो लोग क्या करेंगे, इसकी मांग भी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग सोने की जब प्राइस बढ़ी और मांग भी बढ़ाए तो उसमें वो लोग अपना प्रतिष्ठा समझते हैं, अपने मान सम्मान का होता है, उनका जो रुतबा है वो बढ़ रहा है, ऐसी वो लोग सोच रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से चांदी भी है, कार भी है। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हमारा नियम क्या है मांग का, कि वस्तु की प्राइस बढ़ी तो डिमांड कैसे जानी, कम हो जानी है। लेकिन जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई नई कार आई मार्केट में उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा होगी लेकिन समाज में वो अपना रुतबा मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उस कार की मांग में वृद्धि करते हैं ना कि कमी करते हैं। इसी तरह से मोबाइल भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी प्रतिष्ठा को अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए भले ही तमाम चीजों की वस्तुओं की प्राइस में कितनी भी वृद्धि हो जाए उसकी मांग में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, कमी देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट है, सेकेंड है अत्यंत सस्ती वस्तुएं। अत्यंत सस्ती वस्तुएं देखिए जैसे नमक, पेन, समाचार पत्र। अब ऐसा आप लोग देखते हैं हमारा जो नमक हम यूज करते ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए में आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर इस नमक की प्राइस अगर मान लीजिए बढ़ करके 30-40 जाए तो बहुत कम आएगा, बहुत कम खर्च होता है, तो लोग क्या करते हैं उसकी मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे। जो स्टेपलर पिन होता है हमारा वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 या 10 रुपए का आता है, तो क्या अगर उसकी प्राइस 7 रुपए से 10 रुपए या 9 रुपए हो जाएगी तो लोग उसका स्टॉक करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है समाचार पत्र, तो ये तमाम वस्तुएं क्या है, बहुत सामान्य ही इसकी प्राइस होती है और सामान्य प्राइस होने की वजह से जो कस्टमर होते हैं उनकी आय का जो खर्च होता है, आय का जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है वो बहुत कम खर्च होता है। इसके लिए भी लोग क्या करते हैं, इसकी प्राइस में भी कितनी भी वृद्धि अगर हो भी जाएगी तो लोग क्या करेंगे, मांग क्या करेंगे घटाएंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत सस्ती वस्तु है और सस्ती वस्तु होने से क्या होता है कि और लोग इसकी डिमांड में वृद्धि नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड हल्के प्रकार की वस्तुएं। तो जैसा कि आप लोग को पता है हमारे समाज में दो प्रकार के वर्ग के लोग होते हैं, अमीर वर्ग और निम्न वर्ग। अमीर वर्ग के बारे में हमने यहाँ देखा, अब निम्न वर्ग के बारे में देखेंगे कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा हल्के प्रकार की वस्तु को ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गेहूं और ज्वार हो तो क्या करेंगे, जिस जो गरीब वर्ग का लोग होगा वो अपनी अगर गेहूं और ज्वार में से अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी डिफरेंट देखने को मिलता है तो वो क्या करेगा, ज्वार की खरीदी करेगा ना कि गेहूं की। अब मान लीजिए जैसे गेहूं है 30 रुपए के
केजी मिल रहा है, ठीक है। ज्वार भी अगर 30 रुपए केजी मिल रहा है, लेकिन 30 रुपए की तुलना में अगर ज्वार की कीमत मान लीजिए घट करके 25 रुपए हो गई, तो क्या करेगा वो कि ज्वार तो नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो पहले भी 30 रुपए में ज्वार खरीदता ही था, लेकिन अब 25 रुपए केजी हुआ, इसकी प्राइस कैसी हो गई? घट गई। लेकिन वो क्या करेगा, इसमें मांग में वृद्धि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि अगर उनके पास आय है तो वो उच्च गुणवत्ता की वस्तु को खरीदेंगे, निम्न गुणवत्ता की वस्तु को नहीं खरीदेंगे। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके 5 रुपए बच रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वही 5 रुपए ना बचा करके वो उच्च गुणवत्ता की जो वस्तु गेहूं है उसको क्या करेगा, वो परचेस करेगा। तो इसी तरह से भले इसकी प्राइस में वृद्धि हुई, इसमें कमी हुई, लेकिन क्या किया, मांग में वृद्धि इसकी नहीं हुई। मांग में किसमें वृद्धि हुई? गेहूं में। तो ये भी मांग के नियम के अपवाद नहीं आता है। अब लास्ट हमारा क्या होगी, पसंद की। अब एक चीज और होती है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक फिक्स ब्रांड की वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कोई हुआ बाटा का शूज खरीद लेता है, ठीक है, उसे बाटा का ही शूज चाहिए, भले उसकी प्राइस में कितनी भी वृद्धि हो जाए, वो उसमें उसकी डिमांड में कमी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि बाटा का जो शूज होता है वो कैसा होता है, अच्छा होता है। तो क्या करेगा, बाटा का ही शूज करेगा, खरीदेगा, भले उसकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो, वो उसके डिमांड में क्या करेगा, कमी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से टूथपेस्ट हुआ, कुछ लोग होते हैं पतंजलि का टूथपेस्ट आता है, तो वो अगर उन्हें वही अच्छा लगता है, वही उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसकी प्राइस में कितनी भी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी डिमांड में कमी नहीं करेगा। जबकि हमारा नियम क्या है कि अगर प्राइस में वृद्धि हुई, प्राइस इंक्रीज हुई, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि भले प्राइस भले बढ़ रही है, लेकिन अगर वस्तु की क्वालिटी अच्छी है तो क्या करेगा, उसी वस्तु की डिमांड करेगा, अदर वस्तु की डिमांड।